माशाल्लाह अहमद रजा साहब ने फरमाया कि हजरत अली करमुल्ला बदर करीम के 18 बेटे, लेकिन हम जिनसे सनासा हैं वो इमाम हसन और इमाम हसैन हैं। और सैयद किसे कहते हैं? सैयद हजरत अली करमुल्ला बदर करीम के सुलभ से, सैयदतुन्नसा फातिमतुज़्ज़हरा के रहमत से जो औलाद पैदा हुई है वो उसको सैयद कहते हैं। दीगर जो आपके बेटे हैं वो सैयद उन्होंने नहीं कहा, वो अलवी हैं और अवान हैं। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कर्बला के मैदान में शहादतें पाई और आपके खादम कहलाया। अगरचे आपकी ख्वाहिश थी इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर अब हजरत अब्बास अलमबरदार गाजी कि एक दफा ही मुझे भाई कह दे, लेकिन आपने अदब के तकाजे को रखते हुए सामने कहा नहीं, आप हमारे आका हैं। तो हमारी मोहब्बत जो है सैयद, आज को समझ लगे ना सैयद कौन है, उनको अवान कहा गया, मदद करने वाला, सदात की मदद करने वाले, ऑन से अवान है। अल्लाह तबारक ताला हमें ये समझने की, बहुत सारे बातें हैं जो आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन आपके अंदर इसको मोहब्बत इतना है सदात का, अहले बैत का, कि समझ आए या ना आए। खिची साहब ने माशाल्लाह जितने भी वाकयात बयान किए अपने शेराना शक्ल में, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किए हैं। और इसी तरह सरदार साहब भी जो थे ना, वो भी इसी तरह बयान करते थे। क्योंकि इल्म वाला शख्स जो है वो अपने इल्म की सलाहियत से और अदब के तकाजा रखते हुए कि अदब उनका किस इस लफ्ज में को ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जिसमें अदब मलहूज रहे, ये एक शायर की शान है। अल्लाह तबारक तआला हमें आपकी सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।